दिल को तुमसे हुआ है प्यार, आज के एपिसोड पर हमें क्या देखने को मिलेगा वो आप सभी को बताएंगे, जहां पर दीपिका पंडित जी से कहती है कि हर रोज पंचामृत पीने से उसे पुण्य मिलता है, लेकिन आज पंचामृत पीने से पुण्य मिला और बुढ़िया उसकी नौतिकता से प्रसन्न करती है और कहती है कि उसे माता पिता आपको उस पर गर्व होना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि दीपिका अपने माता पिता की सौतेली माँ के साथ रहती है और उसकी सौतेली माँ उसे 15 साल पहले छोड़ दिया था और उन्होंने उसे समय पर ढूंढ लिया और घर वापस कर दिया और उसकी सौतेली माँ उसे हर दिन परेशान करती है। दीपिका कहती है कि एक माँ कभी भी क्रूर और सौतेली माँ नहीं हो सकती है। पंडित जी उम्मीद करते हैं कि दीपिका को जल्दी एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा और वह खुशहाल अपना वैवाहिक जीवन बिताएगी। बुढ़िया कहती है कि दीपिका के अच्छे स्वभाव को देखकर उसे लड़का मिलेगा और पंडित जी कहते हैं कि समाज रंग देखता है स्वभाव नहीं, और चिराग चुपचाप देखता है और दीपिका को प्रभावित हो जाता होता है और वहाँ पर शोभा बेसब्री से दीपिका के मंदिर से लौटने का इंतजार कर रही है। उसे गालियां देती है दीपिका, अपने मम्मी को पुकारते हुए एक घर लौटती है और उसे प्रसाद देती है। सुबह चिल्लाती है और वह उसकी मम्मी नहीं है और उससे प्रसाद लेने से इनकार कर देती है। दीपिका अपने माता पिता को प्रसाद परोसती है और पिता पूछते हैं कि वह हमेशा उसे मम्मी क्यों बुलाती है। दीपिका कहती है कि किसी दिन मम्मी उसे स्वीकार कर लेगी। चिराग एक मेडिकल कैब ऐप में मरीजों को मुफ्त इलाज करता है और अगले दिन एक मंत्री की पत्नी श्रीमती सिखावत चिराग वहां पर मां को मिलने आती है और रजत के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पेश करती है। शोभा को पता चलता है और वह जानवी को लाती है और सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए चुना गया है और वह खुशी से नाचती है और उम्मीद करती है कि उसकी बेटी जल्द ही मिस यूनिवर्स बनेगी। वहाँ पर आगे देखने को मिलता है कि पृथ्वी का परिचय कराया जाता है और जो कि फुटबॉल खेलकर घर लौटा है और अपनी बहन के साथ नोक झोंक करता है। वह चिराग के प्रति अपना प्यार का इजहार करता है और उसे हाथ पैर वहाँ पर कुश्ती करता है और वहाँ पर चिराग अपने भाई को खुश देखता है और जानबूझकर हार जाता है और वह फिर पृथ्वी को बताता है कि वह एक बहू जानती है और वहाँ पर इसलिए उसे सुझाव दिया गया और पहले पृथ्वी की शादी कर देंगे। और जब चिराग उसका बेटा है और वह चिराग की शादी देखना चाहती है और ड्रामा जारी है और चिराग अपने पिता और उनके लिए फैक्ट्री चलाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें एक बड़ा दिन, और चिराग कहता है कि आज उसकी 3 कुंडली सर्जरी होनी थी और वह बहुत ज़्यादा व्यस्त है। चिराग के चाचा और प्रतियोगिता के लिए बारे में करते हैं और वहाँ पर हर एक लड़की के लिए खोजने का सुझाव देते हैं और ड्रामा जारी रहता है। यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा कि लावण्या फैशन शो के दौरान जाह्नवी को देखती हैं और वह अपनी बहू को बनाने का फैसला करती हैं। दीपिका चिराग की कार से टकरा कर जाती है और बाद में एक लड़के के परिवार को अस्वीकार कर देते हैं और यहाँ पर उसकी त्वचा और रंग के लिए उसे आलोचना करते हैं। आगे की स्टोरी काफ़ी दिलचस्प होगी क्योंकि इस सीरियल में हमें ड्रामा और स्टोरी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। उसे देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट से समझना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।